मेरा सबसे पहला रिएक्शन हंसी ही थी थैंकफुली. तो जब मैं हंसी तो मुझे पता था कि लोग भी हंसेंगे. बहुत ही फनी टाइटल है. बेलन जो कॉमेडी को रिप्रेजेंट करता है और बहू जो ड्रामा को रिप्रेजेंट करता है. तो इट्स अ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रामेडी. कॉमेडी भी है, ड्रामा भी है. पूरा कॉमेडी वाला परिवार है और ट्रेजेडी वाली रूपा भी है. मैंने बेटी, बहन, बहू, सुपर नेचुरल हर किरदार निभाने की कोशिश की और कर भी ली. आई थिंक यू नो उसके बाद रुक के कुछ अलग करना था और इससे बेटर क्या है कॉमेडी करने से बेटर. आई थिंक मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा अलग एक्सपीरियंस है, खुद हंसना, लोगों को हंसाना. 2018 का मेरा यही रेजोल्यूशन था कि मैं हैप्पीनेस स्प्रेड करूँगी और कॉमेडी शो से बेटर हैप्पीनेस स्प्रेड करने में क्या है. आई थिंक कॉमेडी इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट इमोशन टू पोर्ट्रे. बट लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट लोगों को रुलाना भी, वो भी उतना ही डिफ़िकल्ट है. लोगों को हंसाना उतना ही डिफ़िकल्ट है. तो कॉमेडी डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप एक बार कैरेक्टर के अंदर घुस जाओ, स्टॉप थिंकिंग ऑफ क्रिस्टल एंड स्टार्ट थिंकिंग ऑफ रूपा, एंड दैट्स व्हाट एवरीबडी एल्स डज हियर. अगर आप कैरेक्टर के अंदर घुस जाओ तो 12-12 घंटे हम रोज़ वही करते हैं. तो कॉमेडी तो है ही. हमारे एक्टर्स बहुत अच्छे हैं. मेरे बचपन से मैं इनको देखती आ रही हूँ टीवी पे और ये मुझे हंसाते आ रहे हैं. तो आज इनके साथ आप सबको हंसाने का मौका मिल रहा है मुझे. आई थिंक आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड प्रिविलेज्ड बोथ.